डाइंग टू का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं। अगर आपको हिंदी में ये बोलना कि मैं तो ये पाने के लिए ना मरी जा रही हूँ, तो वहाँ पर हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं डाइंग टू। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डाइंग टू गो फॉर वेकेशन, मतलब मैं मरी जा रही हूँ वेकेशन पे जाने के लिए, छुट्टियों पे जाने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा काम कर लिया मैंने, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आई एम फेड अप ऑफ वर्किंग नाउ, आई एम डाइंग टू, आई एम वेरी डेस्परेट टू गो फॉर वेकेशन। मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मरी जा रही हूँ वहाँ पर जाने के लिए, वेकेशन पे जाने के लिए। आई एम डाइंग टू का मतलब है हम किसी काम को करने के लिए जब बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, तो हम यूज़ करेंगे आई एम डाइंग टू। आई एम डाइंग टू रिलैक्स ऑन बीच, मेरा पूरा मूड है कहाँ पर रिलैक्स करने का, बीच पर रिलैक्स करने का। आई एम डाइंग टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, मैं मरी जा रही हूँ किस काम को करने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग को लर्न करने के लिए। दैट मीन्स आई एम वेरी डेस्परेट टू डू दिस थिंग। सो वेन वी आर वेरी डेस्परेट टू डू एनी थिंग, फॉर दैट वी आर यूजिंग डाइंग टू। जब हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुक हो जाएंगे किसी चीज़ को, किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्रेज डाइंग टू। राइट, फॉर एग्जाम्पल, आई एम डाइंग टू गो कैनेडा, मैं मतलब मरी जा रही हूँ कैनेडा जाने के लिए। राइट, क्योंकि वो मेरा फेवरेट प्लेस है और मुझे वहाँ पर जाना है हर हाल में, तो आई एम डाइंग टू गो कैनेडा। राइट, ग्रीटिंग्स एवरी वन, वंस अगेन वेलकम टू माई चैनल, और मैं हूँ मोनिका। इस वीडियो में सीखेंगे आज हम कुछ और ऐसे ही शॉर्ट फ्रेजेस जो आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में। सो कीप ऑन वॉचिंग, वीडियो एंड तक देखना, आपको पसंद आए। राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्रेज। जो आज हमारा नेक्स्ट फ्रेज है, दैट इज इट्स माई टर्न टू। इट्स माई टर्न टू का मतलब है अब ये काम करने की मेरी बारी है। इट्स माई टर्न टू वर्क लेट, अब मेरी बारी है रात को लेट तक काम करने की। इट्स माई टर्न टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, अब मेरी बारी है इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की। इट्स माई टर्न टू आंसर दिस क्वेश्चन, अब मेरी बारी है इस क्वेश्चन को आंसर करने की। नाउ इट्स माई टर्न टू हेल्प यू, अब मेरी बारी है तुम्हें हेल्प करने की। तो जब हम ये कहेंगे कि अब ये काम करने की मेरी बारी है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो फ्रेज इट्स माई टर्न टू। राइट, इट्स माई टर्न टू कैरी द लगेज, अब मेरी बारी है लगेज को कैरी करने की। तो जब हम बात करेंगे बारी की कि अब मेरी बारी है, अब मेरी टर्न है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट्स माय टर्न टू। राइट, द नेक्स्ट फ्रेज टू फॉर टुडे इज आई एम कॉलिंग टू। आई एम कॉलिंग टू हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को फ़ोन कर रहे हैं, बेसिकली ये फ़ोन करने के लिए होता है, और हम उसको ये रीज़न बता रहे हैं कि मैंने तेरे पास फ़ोन क्यों किया। भाई, अब आप किसी के पास फ़ोन करोगे तो उसको बताओगे ना कि आप उसके पास क्यों कॉल कर रहे हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेज आई एम कॉलिंग टू। आई एम कॉलिंग टू टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हारे पास फ़ोन किया है ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूँ और सच बता सकूँ। आई एम कॉलिंग टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने तुम्हें सच बताने के लिए फ़ोन किया। आई एम कॉलिंग, मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ आज टुडेज होमवर्क, ताकि मैं आज का होमवर्क पूछ सकूँ। आई एम कॉलिंग टू इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे, मतलब मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने बर्थडे पर इन्वाइट कर सकूँ। कॉलिंग बेसिकली हियर इट मीन्स दैट यू आर मेकिंग अ कॉल टू समवन ऑन फोन। यहाँ पर कॉलिंग टू का मतलब है कि आप किसी के पास फ़ोन कर रहे हैं उससे कुछ पूछने के लिए, उसको कुछ बताने के लिए, या फिर उसको ये रीज़न बताने के लिए कि आपने उसके पास फ़ोन क्यों किया है। राइट, आई एम कॉलिंग टू इन्वाइट यू इन द वेडिंग सेरेमनी, मैंने तुम्हारे पास कॉल किया ताकि मैं तुम्हें वेडिंग सेरेमनी पर इन्वाइट कर सकूँ। राइट, सो अब से आपको अगर किसी को बताना है कि आप उसके पास कॉल क्यों कर रहे हैं, फॉर दैट यू कैन यूज़ आई एम कॉलिंग टू एंड टेल द रीज़न। आई एम कॉलिंग टू टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं तुम्हारे पास कॉल कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हें इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर बता सकूँ। राइट, द नेक्स्ट फ्रेज फॉर टुडे इट्स हार्ड फॉर मी टू, मतलब जब हमारे लिए कोई काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट्स हार्ड फॉर मी टू, कि ये काम जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव यू, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूँ। हार्ड का मतलब क्या है, मुश्किल। तो जब हमारे लिए कोई काम मुश्किल होगा तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे हार्ड। इट्स हार्ड फॉर मी टू हैंडल दिस सिचुएशन, मतलब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन को हैंडल करना। इट्स हार्ड फॉर मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर मी टू लर्न इंग्लिश, जो इंग्लिश सीखना है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है।
सो वट एवर इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, आपके लिए जो भी चीज़ें डिफ़िकल्ट है आप उसको बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्रेज इट्स हार्ड फॉर मी, राइट, इट्स हार्ड फॉर मी टू क्रैक द नट, इट्स हार्ड फॉर मी टू क्लाइंब द माउंटेन, इट्स हार्ड फॉर मी टू स्विम इन द रिवर. तो वट एवर इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, जो भी चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट है आप उसके लिए फ्रेज यूज कर सकते हैं इट्स हार्ड फॉर मी टू, राइट. द नेक्स्ट फ्रेज फॉर टुडे इज़ आई हैव हर्ड दैट. आई हैव हर्ड दैट का मतलब होता है कि मैंने ऐसा सुना है, जैसे आप बोलते हो ना कि मैंने सुना कि भाई तेरे को तो फर्स्ट पोजिशन आ गई क्लास में. तो जब हम ऐसा सुनते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर दैट वी आर यूजिंग आई हैव हर्ड दैट. वट आई हैव हर्ड, आई हैव हर्ड दैट यू गॉट अ स्कॉलरशिप, मैंने सुना कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई. आई हैव हर्ड दैट यू परचेज अ न्यू कार, मैंने सुना कि तुमने एक नई कार खरीद ली. आई हैव हर्ड दैट यू हैड गॉन टू अमेरिका, मैंने सुना कि तुम अमेरिका चले गए थे. आई हैव हर्ड दैट यू पास द एग्जामिनेशन, मैंने सुना कि तुम एग्ज़ाम्स में पास हो गए हो. तो जब हम कुछ सुनते हैं सुनी सुनाई बातों के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर दैट वी आर यूजिंग आई हैव हर्ड दैट, कि मैंने ऐसा सुना है. जो भी सुना है वो उसके आगे आप रीज़न बता सकते हैं. आई हैव हर्ड दैट यू ओपन अ न्यू कोचिंग सेंटर, मैंने ऐसे सुना है कि तुमने नया कोचिंग सेंटर ओपन कर लिया. आई हैव हर्ड दैट यू हैव टेकन एडमिशन इन लॉ, मैंने ऐसे सुना कि तुमने लॉ में एडमिशन ले लिया है. सो वट एवर यू हैव हर्ड, जो भी आपने सुना है उसके लिए आप फ्रेज यूज कर सकते हो आई हैव हर्ड दैट, राइट. सो दैट वॉज द लास्ट फॉर द डे. आई होप यू लाइक्ड इट, आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. और नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं कुछ और फ्रेजेस. सो कीप ऑन वॉचिंग, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.